हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। और एक्सेल में आज के इस वीडियो में खास क्या है, देखिए यहाँ पर दो नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करने की कोशिश करी गई है और यहाँ पर 5 है और 56 है। तो अगर मैं बात करूँ 5 और 56 के एवरेज की, तो यहाँ पर लिखा 5 और यहाँ पर लिखा 56। अगर मैं इसका एवरेज कैलकुलेट करता हूँ तो क्या आना चाहिए वो हमें देखना है, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट करा, यहाँ से बंद किया और एंटर किया, तो यहाँ 30.5 आ रहा है, जबकि यहाँ पर गलत एवरेज कैलकुलेट हुआ है। एवरेज का फॉर्मूला भी सही लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऐसी दिक्कत हो गई कि यहाँ पर आंसर गलत आ रहा है, ठीक है, इसी को हमें सही करना है। देखिए एवरेज जब कि आप फिल्टर लगा देते हो तो आपको थोड़ा सा इसमें अलग तरीके से काम करना होगा। क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे लगाना होगा सब टोटल, क्या लगाना है, सब टोटल लगा दिया और यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट करने के पहले यहाँ पे लिखिएगा 1 और यहाँ पे लगाइएगा कॉमा, ठीक है, और यहां पर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर भर प्रेस करना है आपको, तो यहां पर एवरेज एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है। अब यहां से आप फिल्टर चेंज करिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पे नेम बढ़ गए, ठीक है, जैसे मान लीजिए श्याम का भी नेम था तो ये ओके कर दिया, तो यहां पे एवरेज आपका बिल्कुल सही रहेगा। अब इन तीनों का देखिए, इन तीनों का सेलेक्ट करके मैं एवरेज कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जब जाइएगा ना तो ये एवरेज बिल्कुल करेक्ट आएगा और आपका काम हो जाएगा बहुत आसान, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो, देखिए ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।